केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहले जबलपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वागत व अभिनंदन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर के वेटनरी ग्राउंड में आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह, सांसद वीडी शर्मा एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि व नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रदर्शनी तथा मॉडल का अवलोकन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में 2367 करोड़ लागत की 9 सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने विकास का संकल्प लिया है और निश्चित रूप से गडकरी जी के मार्गदर्शन में हम प्रदेशवासियों को नई नई सौगातें मिल रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि महाकौशल वह क्षेत्र है जहां विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। आज के इस अवसर पर आप कई कई सौगातें लेकर के आए और ये बात सही है, राकेश जी ने भी कही है कि नितिन जी ने जब पहली बार पीडब्ल्यूडी मंत्री के नाते से जो काम संभाला था और एक ऐसा लगा कि कोई मंत्री किस प्रकार से काम कर सकता है, वाकई वो बेमिसाल आपका कार्यकाल था। और उसके बाद से लगातार जो कामों की श्रृंखला चलाई, जैसे अविरल गंगा बह रही है एवरेस्ट से, उसी प्रकार से कामों की आपके माध्यम से धारा बह रही एक बार फिर मध्यप्रदेश की धरती पर। करतल ध्वनि से माननीय नितिन जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। नितिन जी भाई साहब, आपको बताना चाहूंगा कि सरकार के गठन के बाद हमने निर्णय किया कि सरकार की अपनी कार्य योजना के आधार पर सरकार के क्षेत्र में कौन कौन से शुरुआत करने के रास्ते हो सकते हैं, तो हमने निर्णय किया कि महाकौशल वो क्षेत्र है जहां विकास की सर्वाधिक संभावना है। इसलिए कैबिनेट की पहली अगर बैठक हमने कहीं की है तो रानी दुर्गावती की नगरी हमारी अपनी इस जबलपुर में की थी। ये सम्मान हमने दिया और ये हमने अपने आप में संकल्प लिया कि जबलपुर अंचल और जबलपुर का पूरा क्षेत्र अब विकास के मामले में किसी बार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसी नाते से हमने कोशिश की, पहली कैबिनेट करने के साथ पहला संकल्प लिया रानी दुर्गावती का, अवंतीबाई का, ये पूरा बलिदान का क्षेत्र उनका अपना कार्य क्षेत्र रहा है। जबलपुर में मेरे 10 साल के कार्यकाल में मुझे अनेक बार आने का मौका मिला। शहर भी है, पता है जबलपुर मध्य प्रदेश के लिए एक ग्रोथ इंजीन है। जबलपुर में अच्छे उद्योग आए, जबलपुर में पर्यटन का विकास हो, यही भाव सबके मन में है। पर हमारे विकास में अगर विकास की गति अगर हमें बढ़ानी है तो चार चीजें बहुत ही आवश्यक है, जिसके सिवा विकास संभव नहीं है। जो चार चीजें हैं उनमें से वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जहां तक मेरे पास जो जिम्मेदारी है वो रोड ट्रांसपोर्ट की है। और देश में हमारे यहां जैसे रेलवे है, हवाई जहाज है, कुछ जलमार्ग भी हम बना रहे हैं, तो रोड का भी निर्माण हम कर रहे हैं। मैं अक्सर एक बात मैं याद रखता हूं, जब मैं मुंबई महाराष्ट्र में मंत्री था तब से इसको याद रखता हूं, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड।